हे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाएं। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। ये जो टॉपर्स होते हैं या फिर एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए नोट्स कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक गुड नोट्स। ठीक है, तो बहुत दिनों से आप लोगों की कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी नोट्स को लेके। मुझसे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और अब फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको नोट्स मेकिंग टिप्स दूंगा, तो चलिए आइए देख लेते हैं। हे दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं हरुज टीवी। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी क्वालिटी हेल्प वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। देखिए, नोट्स जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है, और स्पेशली अच्छे नोट्स का। जब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, उससे 5-6 दिन पहले या फिर कुछ दिनों पहले नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे कितनी भी मोटी या पतली बुक हो, उनसे कुछ काम नहीं होने वाला। जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे और जो अच्छे नोट्स बनाए होंगे, जो भी अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बनाने हैं, उन नोट्स का आपको पेपर से पहले बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उन नोट्स का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखिए उस टाइम पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और कोर्स बहुत बड़ा होता है, तो हमें 1-2 दिन के अंदर ही पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पहले एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में कुछ लिमिटेड डे की छुट्टी है, 2-3-4 दिन मैक्सिमम, दो दिन की भी छुट्टी होती है कई बार तो एग्ज़ाम्स के बीच में, 1 दिन की भी होती है कई बार तो एग्ज़ाम्स के बीच में, तो उस केस में नोट्स बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में अपना पर्सनल मेथड बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही बढ़िया नोट्स बना सकते हैं, और मैं खुद इसकी हेल्प से नोट्स बनाता हूँ। मैंने भी कहीं से किसी से सीखा था ये मेथड, और जब ये आप नोट्स बना लेंगे तो आपको अपना कोर्स बहुत ही छोटा लगने लगेगा, बहुत ही आसानी से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे, और एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल आपको डर नहीं लगेगा। एग्ज़ाम फियर या एग्ज़ाम फोबिया, ये जो भी होता है ना, जिसको भी एग्ज़ाम फियर वगैरह, ये सब भाग जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ नोट्स बनाने के ऊपर, उसके बाद पूरा धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली टिप तो ये है कि आपको साफ़ सुथरे तरीके से नोट्स बनाने हैं। जो नोट्स आपको बनाने हैं, उनमें राइटिंग साफ़ रखनी है। ठीक है, साफ राइटिंग अगर आप जानना चाहते हो किस तरीके से रखनी है, तो एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। इस वीडियो को देख के आप अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें कुछ टिप्स दी हुई है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको साफ़ सुथरी राइटिंग में नोट्स बनाने हैं। देखिए, जब आप गंदे नोट्स बनाते हैं ना, तो पढ़ते हुए हमारा ना तो उन्हें इंटरेस्ट आता हमें नोट्स को पढ़ने में, ठीक है, और ना ही हम उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ पाते। एक साइकोलॉजिकली एक गलत इफेक्ट जाता है माइंड में। लेकिन जब आपके नोट्स साफ़ सुथरे होते हैं, बढ़िया नोट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करते हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। तो इसलिए जितना आप साफ लिख सकते होंगे, उतना अच्छा आपको नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, पहली टिप तो ये थी। दूसरी टिप जो है वो ये है नोट्स मेकिंग के ऊपर, कि आपको अपने जो नोट्स हैं उनको छोटे से छोटा रखना है। मतलब बहुत ज़्यादा फैला के बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, नॉर्मल नोट्स के अंदर बात को छोटा लिखना है, बहुत ही छोटे में समअप करना है। एक तरह से आप यहाँ ये मान लीजिए, आपका जो भी आंसर है या जो कुछ भी है, उसको आपको सिंपली समअप कर देना है, छोटे से छोटे नोट्स रखने हैं। तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर आपका एक चैप्टर है, तो उसके नोट्स आपको मैक्सिमम 2 या मैक्सिमम 3 पेज, जो कि 3 पेज तो होने नहीं चाहिए, 1-2 पेज के अंदर ही आपको अपने नोट्स पर चैप्टर के समअप करने हैं। ठीक है, ये 3 टिप याद रख के चलिएगा। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि नोट्स आपको अलग से अपने आप बनाने हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि बुक में या कहीं लिखा है उसको हाईलाइट करते जा रहे हैं और बाद में उसको पढ़ लेंगे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल गलत तरीका है, नोट्स मेकिंग है ही नहीं। ये तो आप सिंपली हाईलाइट कर रहे हैं, जो कि बाद में आपके इतना कुछ खास हेल्पफुल होने वाला है नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत हेल्प कर जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं हेल्प करेगा। अब सुनिए आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं और क्या करना है। सबसे पहले मैं आपका एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए आपका एक चैप्टर है, बुक में कई सारे चैप्टर होंगे, उसमें आपका एक चैप्टर है। आपको क्या करना है, उस पूरे चैप्टर को आपने पढ़ा, पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद उसमें कई टॉपिक्स होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, उनसे मिलकर एक चैप्टर बना होगा। अब आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को 1 या फिर 2 पेज, या बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 3 पेज मैक्सिमम, कोशिश करनी है 1-2 पेज के अंदर ये चैप्टर आ जाए, इसके अंदर पूरे चैप्टर को समअप करना है। मतलब इसका मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन आपको करना है चैप्टर का, और उस एक पेज के अंदर लिख देना है जो भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आप ये आप कैसे कर पाएंगे, आपको शायद लग रहा होगा कि नहीं यार, ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते। आप जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आप कर नहीं सकते, तो आप कैसे करोगे। पहली चीज़ मैं कह रहा हूँ, आप कर सकते हो, ये बहुत ही आसान है, सब बहुत सारे लोग करते हैं, टॉपर स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं, मैं खुद ऐसे बनाता हूँ भाई, मैंने खुद सीखा था ये नोट्स बनाना, और मैंने खुद ऐसे ही बनाए हैं और अब भी ऐसे ही बनाता हूँ। अब आपको करना क्या है,
जैसे आपका जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ टॉपिक्स होंगे, तो जो टॉपिक है वो तो हेडिंग बना लीजिए अपने नोट्स की, और उसके बाद उसमें जो भी कंटेंट वगैरह होगा उसको छोटा कर करके लिखते जाइए। अब देखिए किस तरीके से ये बनेगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी बुक में जो चैप्टर है उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पेजेस है, तो 50 में से मैक्स टू मैक्स 8 या 9 पेज ही ऐसे होंगे जिनके अंदर बढ़िया कंटेंट होगा, असली कंटेंट होगा। बाकी सब तो सपोर्टिव पेज होते हैं जिसमें कि कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए, कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए चीज़ें दी होती है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिए होंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर कुछ बातें बताई होंगी जो कि सपोर्टिव कंटेंट होते हैं, तो वो आपको अवॉइड करने हैं। जो मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है, उसका लिख देना है वो। जैसे कि अगर आपका कोई सेंटेंस होता है तो उसके अंदर एक या दो वर्ड होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब उसकी सपोर्टिव लाइन होती हैं, तो वो आपको नहीं लिखनी है, वो तो आपको अपने आप बना के लिख देनी है जब एग्ज़ाम में आपके आएगी। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो उसकी मेन वर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड्स हैं, सिर्फ उनको लिखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ जिससे कि कोई भी समझ पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक क्वेश्चन आया, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ सिर्फ, कि YouTube के बारे में कुछ लिखिए। तो YouTube के बारे में कई पेजेस लिखे जा सकते हैं, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो चार लाइन पहले बताऊँगा और फिर उनको छोटे में समअप करना कैसे है वो मैं आपको समझाऊँगा। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको YouTube के बारे में कुछ लाइनें मैं आपको बोलूँगा और फिर उनको समअप कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारी हेडिंग जो हो गई वो हो गई YouTube, ठीक है। अब पहला जो पॉइंट है हमारा, जो बुक में लिखा हुआ है, आप ये समझ के चलिए लिखा हुआ है YouTube इज़ एन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब आपको इसको नोट्स में समअप करना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरा लिखेंगे YouTube इज़ एन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो इसमें फ़ायदा ही क्या हुआ नोट्स बनाने का, मुझे बताइए। आपने तो पूरा जो लाइन थी वही की वही लिख दी, एक दो वर्ड कम कर दिए बस जा जाते। अब आपको इसको नोट्स कैसे बनाने हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस लाइन के, वो आपको लिखना कैसे है वो समझिए। आपको सीधी हेडिंग डालनी है YouTube। अब इस सेंटेंस को देखिए, YouTube इज़ एन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो YouTube क्या है, एक ऑनलाइन है और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो आपको सीधा उसके नीचे लिखना है पहला पॉइंट, YouTube क्या है, एक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ये तीन वर्ड लिख देने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ये आपको लिखने हैं। इससे क्या हुआ, जो फालतू के सपोर्टिंग वर्ड्स थे, पूरा जो सेंटेंस था वो ख़त्म हो गया, सिर्फ तीन वर्ड रह गए। तो अब जब अगली बार आप इसको पढ़ोगे तो आप आसानी से याद रख पाओगे और पूरा सेंटेंस तो आप अपने आप ही बना लोगे, इतने तो शायद आप में समझ होगी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और सेंटेंस लेते हैं इसी में YouTube में, एग्जाम्पल के तौर पे, एनीवन कैन वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अब आपको इस लाइन को समअप करना है छोटे से दो तीन वर्ड में, तो इसमें क्या आप लिखेंगे, कोई भी, इसका मतलब क्या है, कोई भी वीडियो देख सकता है यूट्यूब पे। तो आप इसको समअप करके जैसे कि लिख सकते हैं, एनीवन कैन वॉच वीडियोज़ हेयर, ठीक है, एनीवन वॉच वीडियोज़। इस तरीके से आप छोटा समअप कर सकते हैं जस्ट फॉर अपने समझने के लिए, जिससे आपको पढ़ते ही तीन वर्ड को समझ में आ जाए क्या है ये। एग्ज़ाम में आपको पूरा बड़ा बड़ा ही लिखना है, एग्ज़ाम में तो बड़ा चढ़ा के लिखना है, लेकिन नोट्स में छोटे से छोटा, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपके दिमाग पे इफेक्ट जाएगा जब आप पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल एक और हेडिंग है आपकी फेसबुक, फेसबुक के बारे में समझ लेते हैं। तो फेसबुक आपकी मान लीजिए हेडिंग है। अब आपको फेसबुक का एक सेंटेंस दिया गया है कि लाइक फेसबुक इज़ ए सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन विच यू कैन कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मान लीजिए ये सेंटेंस है, तो आपको इसको समअप करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे। तो फेसबुक हेडिंग लिखी, पॉइंट डाला पहला, क्या नोट्स है, फेसबुक क्या है, क्या है फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट। तो पहला पॉइंट डालेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट, सिंपल। उस पर आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट विद योर फ्रेंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उस पर आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो दूसरा पॉइंट डालेंगे कनेक्ट विद फ्रेंड ओवर दी ग्लोब या फिर अराउंड दी वर्ल्ड, सिंपल। इसको आपको छोटा करते जाना है, बड़ा नहीं करना है, जो बड़ी सी बड़ी चीज़ है उसको भी छोटे छोटे में पार्ट्स में तोड़ देना है। अब जब आप इस पूरे को इसी तरीके से अब अपने सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को लिख लेंगे, तो आपका जो एक चैप्टर है वो बहुत कम पेजेस में आएगा और जो आपकी पूरी बुक है वो मुश्किल से कुछ पेजेस के अंदर समअप हो जाएगी। जहाँ आपका जो कोर्स है, जहाँ आपके जो बुक या नोट्स जो टीचर्स ने बनवाए हैं वो 200-300 पेज के होंगे, आपके नोट्स मुश्किल से जो आप खुद बनाएंगे वो अगर आप इस तरीके का फॉलो करके, इस तरीके को यूज़ करके बनाते हैं, तो मुश्किल से 20-30 पेज के अंदर बन जाएंगे। अब सोचिए जब आपके एग्ज़ाम में आप इनके आपके पास ये नोट्स होंगे, ये शॉर्ट नोट्स होंगे,
तो आप आराम से इनको देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि यार कितना आसान है। और छोटे होंगे तो आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली इफेक्ट जाएगा कि यार थोड़ा सा ही तो है, मैं कर लूँगा ना, आपको डर लगेगा और आप सारा पढ़ के भी जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएं, और बहुत ही बढ़िया मेथड है ये, बढ़िया मार्क्स आएंगे आपके, बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते हैं। ना ही कोई एग्ज़ाम फियर होगा और ना ही कोई टेंशन होगी, और बढ़िया आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के आएंगे और बढ़िया मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यार इसको लाइक करना, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।